गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस, जिसमें से हमने कीबोर्ड एंड माउस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी कहता है एक इनपुट डिवाइसेस है, जिसमें क्या है, हमारे पास क्या है, एक बेस दिया होता है जिसके थ्रू हम क्या है कहता किस डायरेक्शन में कहता हमारा वो क्या है मूव कर रहे हैं हम, वो उसको कंट्रोल करता है। तो जॉयस्टिक कहता कैन मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, कहता हम क्या है सभी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। कहता वो क्या है जॉयस्टिक की मदद से कहता हमारा कंप्यूटर क्या डिटेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। कहता ये सिमिलर टू कहता माउस है, बट कहता माउस को हम क्या है फ्लैट पैड के ऊपर कहता मूव करते हैं, तो उससे कहता जो हाँ उसके पास क्या है रबड़ लगी होती है या लेज़र होती है तो उससे डिटेक्ट करता है। यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है जिसकी हम क्या है मूवमेंट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। तो कहते हैं इस हैंडल के थ्रू ही कहता कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में हम क्या है मूव कर रहे हैं। तो कहते हैं मेनली ये कहाँ पे यूज़ होता है, कहते हैं प्लेइंग गेम्स में। उसके बाद कहते हैं जब जॉयस्टिक कहता है अदर फील्ड में यूज़ होता है मशीन्स को कंट्रोल करने के, लाइक क्रेन को कंट्रोल करना है, ट्रक को कंट्रोल करना है, अंडर वाटर अनमैंड व्हीकल्स है उनको भी जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल किया जाता है कि किस डायरेक्शन में वो मूव करें। ठीक है, उसके बाद क्या है जीरो टर्निंग रेडियस लॉन मूव्स है, माइनिंग में जब जाते हैं तब बहुत सारी चीज़ों को कहता कंट्रोल करने के लिए कि किस डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, तो इससे कहता कंट्रोल किया जाता है जॉयस्टिक की हेल्प से। स्कैनर, स्कैनर भी कहता है इनपुट डिवाइसेस है, लाइक हमारे पास फोटोकॉपी मशीन है। तो कहता है हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो पेपर पे अवेलेबल होती है हम उसको क्या है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फॉर मैनिपुलेशन के लिए, तो कहता है स्कैनर की मदद से हम क्या है इमेज को सोर्स से कहता लेते हैं। ठीक है, हम क्या है एक मशीन होती है उस पर पेपर रखते हैं, उसके ऊपर अपना क्या है जो हमारा ग्लास का लिड होता है उसको रख देते हैं। ठीक है, तो वो लाइट पास होती है, वो लाइट पास से कहता वो क्या है पेपर को रीड करता है और सेम जो पेपर में है वो सारा हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो कहता वो क्या है कन्वर्ट करता है इसको डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, स्कैनर क्या कैप्चर करेगा इमेज को फ्रॉम सोर्स, तो देन इसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को सेंड करता है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपको नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं जो क्या है स्कैनर शो किए हुए हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो कहता ओएमआर, आपने मोस्टली ये वर्ड सुना होगा ओएमआर, ओएमआर शीट्स बोलते हैं। कहते हैं जब भी हमारे कोई टेस्ट होते हैं, बैंक का टेस्ट है, कोई तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे ओएमआर शीट्स होती है जिनके ऊपर हमने क्या अपने आंसर जो होते हैं उसकी चार ऑप्शंस दी होती है, जो सही ऑप्शन होती है हमने उसको क्या है डार्क करना होता है। तो कहता है ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है डिवाइस है जो क्या रीड करती है पेंसिल मार्क को। ठीक है, जो भी डार्क मार्क है उसको रीड करेगी, देन कहता है कन्वर्ट दैम इंटू कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो कहते हैं ये क्या है स्पेशल प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं, आर डिज़ाइंड विद इन बॉक्स, इनको बॉक्स में डिज़ाइन किया जाता है, विच आर मार्क्ड विद स्पेशल डार्क पेंसिल, उनको हम क्या है डार्क पेंसिल से कहता मार्क करते हैं। तो कहते हैं सच डॉक्यूमेंट कहता रीड किए जाते हैं रीडर के द्वारा ही, रीडर ही रीड करेगा। तो कहते हैं विच ट्रांसेबल टू मार्क इंटू इलेक्ट्रॉनिक पल्स विच आर ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर। तो कहते हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक पल्स के साथ क्या है रीड करता है कहाँ पे डार्क है, तो जिस जगह पे डार्क है उसको वो उठा लेगा, अगर वो आपका राइट आंसर होगा तो राइट कर देगा, अदरवाइज रॉन्ग कर देगा। तो कहते हैं ये क्या है मोस्टली जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर होते हैं वहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो कहते हैं ये क्या है एक फॉर्म है ऑफ कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए, उन्होंने कैरेक्टर रीड करने हैं। ठीक है, कहता है दैट रीड्स द टेक्स्ट प्रिंटेड विद द मैग्नेटिक चार्जिंग। कहते हैं जो क्या है हमारा टेक्स्ट है या कैरेक्टर है जो क्या है मैग्नेटिक इंक द्वारा कहता हम क्या है लिखे हुए हैं उनको कहता है रीड करते हैं। तो कहता है ये शेप्स ऑफ कैरेक्टर क्या है कहता सेंस किसके द्वारा करते हैं बाय मैग्नेटिक चार्ज इंक के द्वारा, इनको मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। और कहते हैं इनके लिए क्या है हमें कैरेक्टर रीडर भी चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ये क्या है मोस्टली कहाँ पे यूज़ होते हैं बैंक्स में होते हैं, चेक के ऊपर हमारे क्या है MICR, कहता हम क्या है जिसके मदद से अपने चेक को रीड करते हैं।
ठीक है, इसमें मैग्नेटिक इंक होती है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक्स के द्वारा क्या है, हमारे अकाउंट नंबर लिखा होता है नीचे, आप देखोगे तो कहता है चेक में, कहता है इसके लिए रीड करने के लिए भी स्पेशल इनपुट यूनिट है जो क्या है मैग्नेटिक इंक करेक्टर को रीड कर पाता है। तो कहते हैं इसका मेन रीज़न क्या है यूज़ करने का, कि मैनुअल एरर्स नहीं होती है और सेव टाइम होता है, सिक्योरिटी इंश्योर होती है, एक्यूरेट डाटा होता है। थैंक यू।